हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश, और क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेटर है। और लेटर राइटिंग किस तरीके से आता है एग्जाम में उसको समझेंगे। ये आता 10 नंबर का। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो समझते हैं देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से मिलेगा ये लेटर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे इसमें दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम उनसे कि इम्प्रूव, सुधार कर दो द लॉ, कानून में। देखिए जो कमिश्नर है और वहां पर जो कानून का अधिकारी है, वो कमिश्नर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लॉ जो है, मतलब कानून और आदेश में क्या करना, सुधार करना है उसकी स्थिति में, सिचुएशन में, इन योर एरिया, अपने एरिया में। तो जो इनका एरिया पड़ता है कमिश्नर का, तो उनको लेटर लिखा जा रहा है कि इस एरिया में कानून व्यवस्था का क्या करना, सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। फिर लिखेंगे एड्रेस, जो भी एड्रेस जिस एरिया में आप रहते हो वहां पे एड्रेस लिख दें। ये जो लिखा हुआ है 13 माऊ एम प्रयागराज, ये प्रयागराज का क्या है, एक एड्रेस है। आप कोई सा भी एड्रेस फिल कर सकते हैं जिस एरिया में जो पुलिस कमिश्नर रहता हो, वो एरिया वहां पे लगा सकते हैं उसका एड्रेस। फिर लिखेंगे डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है, तो 12 नवंबर। अब यहाँ पर कोई सी भी डेट लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आपको लिखनी है इसी पैटर्न के अंदर। तो 12 नवंबर को ये लिखा गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2023, 2024, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे पुलिस कमिश्नर प्रयागराज। अभी जो पुलिस कमिश्नर है ये कहाँ का, प्रयागराज का है, और प्रयागराज इसका नाम इलाहाबाद का है। अब जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो इसका मेन थीम है वो आपको लिखनी है। देखिए इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब इम्प्रूव, सुधार कीजिए लॉ एंड ऑर्डर में और उसकी स्थिति में। तो सुधार करना है लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्थिति में सुधार करना है। फिर लिखेंगे जस्ट उसके नीचे सर, इसका मतलब होता है श्रीमान। फिर देखिए आपको ये थ्योरी दिखनी है, आप चाहे तो सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना। अटेंशन क्या होता है, ध्यान। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर होता है। माई एरिया, जो मेरा एरिया है, उस एरिया में क्या है, कानून व्यवस्था क्या हो गई, बेकार हो गई है, तो उस एरिया में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि वहां पर आकर छानबीन करेंगे क्या हो रहा है। द कंडीशन, जो कंडीशन है ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था की जो कंडीशन है इन द सिटी, सिटी के अंदर, इज गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो गई है, बेकार हो गई है। डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है दिन ब दिन, तो दिन ब दिन वहां की जो कानून व्यवस्था वो बेकार हो रही है। क्रिमिनल, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो जो अपराधी क्या है, एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। तो दिन ब दिन जो क्रिमिनल की जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है डे बाय डे, दिन ब दिन। आगे है सिविल लाइन, जो सिविल लाइन है, हैज बिकम, वो हो गई है सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन है क्या हो गई है, वो क्या पड़ गई है, सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज बन गई है, मतलब गैर कानूनी क्या हो गई, वहां पे क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, जो काम हो रहे हैं वहां पे। अब कहां पे हो रहे हैं, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स, नियर पास में है वहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स, जो गवर्नमेंट गर्ल्स का कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ठीक, वो वहां पे उसके पास में ही है। अनसोशल एलिमेंट्स, वहां पे असामाजिक एलिमेंट्स हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, ठीक, अनसोशल एलिमेंट्स हो रहे हैं। असेंबल, वो जुड़े पड़े हैं, एंड सिंग, देखिए असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, और वहां पर वल्गर सॉन्ग्स सुनाए जाते हैं, वल्गर का मतलब होता है गंदे, तो गंदे गाने वहां पे सुनाए जाते हैं, वहां पे गर्ल्स कॉलेज भी है, तो इस तरीके से वो कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कुछ लोग। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध करूंगा, यू तुमसे, टू टेक नेसेसरी एंड इमिडिएट, मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही, नेसेसरी जरूर, एंड इमिडिएट और तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए इस काम पे, इनको रोका जाए, टू कर्व इट इन, देखिए इसको निपटारा किया जाए, कर्व इट, ये जो बुराई हो रही है वहां पे, जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनको कर्व इट किया जाए, उनको हटा दिया जाए। पीपल ऑफ द एरिया, वहां के जो लोग हैं, इसको पीपल पढ़ा जाता है, तो वहां के एरिया के जो लोग हैं, विल बी हाईली ओबलाइज्ड, आपके बहुत ज्यादा आभारी होंगे, ओबलाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना।
फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, आपका सच्चा या आपका प्यारा जो भी एक्स वाई जेड नाम हो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। देखिए एक बार इसके मीनिंग और बता देते हैं और फिर आपको इसको तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। चलिए देखिए इसमें जो मीनिंग है आपको याद करना है, रिक्वेस्टिंग अनुरोध होता है, इम्प्रूव होता सुधार करना, सिचुएशन होती है स्थिति, और आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना, टूवर्ड्स का मतलब ध्यान रखना की ओर होता है, क्या होता की ओर, अच्छा वर्ड है। और कंडीशन आप जानते हैं स्थिति होती है, लॉ होता है कानून, यहाँ पर गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो जाना, बेकार हो जाना, गोइंग डाउन हो गया है। डे बाय डे दिन बा दिन, इसका मतलब ध्यान रखना डे बाय डे दिन बा दिन। क्रिमिनल अपराधी होते हैं, एक्टिविटीज क्रियाकलाप होते हैं वहां के काम वगैरह। इंक्रीजिंग होता बढ़ना, और अनसोशल होता है असामाजिक, एलिमेंट्स होते हैं कुछ तत्व बेकार की चीजें वहां पर हो रही हैं, असेंबल जुड़ी पड़ी हैं। सिंग बल्गर सॉन्ग्स, बल्गर का मतलब होता गंदा, ये बेकार चीज कोई। देयरफॉर याद रखना क्या होता है, इसलिए। नेसेसरी जरूरी होता है, इमीडिएट होता तुरंत, और हाईली होता है बहुत ज्यादा, ओबलाइज्ड होता है आभारी होना। ओके तो इस तरीके से आप इसको मतलब इसके मीनिंग सारे याद कर सकते हैं, ये सारे के सारे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश को। क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक लेटर है, ये बार बार आता रहता है एग्जाम में। और चलिए समझते हैं, देखिए क्या इसका फॉर्मेट है इसको समझते हैं, और इसका ट्रांसलेशन समझते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है इसमें कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए, किसको लिखना पत्र, टू दी एडिटर। देखिए बोविल से पहले इसको दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले इसको द पढ़ते हैं। दी एडिटर मतलब किसको लिखना है, एक संपादक को लिखना, एक प्रकाशक को लिखना जो न्यूज पेपर छापता है। प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, अब समस्या किसकी आ रही है, गार्बेज की समस्या आ रही है। गार्बेज होता कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा क्या होता, कूड़ा कचरा। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है जो कूड़ा कचरा वहां पे वो फैल गया है, मिसमैनेजमेंट है वहां पे, व्यवस्था नहीं है कूड़े कचरे की, कहाँ पे फेंका जाए, बदबू आती है इस कूड़े कचरे में। फेस्ड वो सामना कर रहे हैं इन लोकेलिटी, वहां के जो निवासी लोग हैं वहां पे जो रहते हैं वो इसका प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। फेस्ड का मतलब सामना करना होता है। यहाँ पर लिखना आपको एड्रेस, फिर डेट लगानी है, और जिसको फिर लिखना है उसका नाम लिख देना है। तो ये इसका फॉर्मेट है, जैसे काठमांडू लिखा हुआ है और 1 जनवरी 2024 है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, रैंडम कुछ भी, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। टू दी एडिटर, अब एडिटर को लिखा गया है चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया कोई न्यूज पेपर है उसको लिखा गया है, ये न्यू दिल्ली में पढ़ता है। अब जस्ट उसके नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है जो मेन विषय है, किस बारे में आपको थ्योरी लिखनी है वो यहाँ पर लिखना है। और ये कहाँ से मिलेगा, आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखिए प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट गार्बेज, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज मिसमैनेजमेंट आ रखा ना ये, तो इसी में से आपको विषय उठा लेना है, किसमें से, क्वेश्चन में से ही। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सामना, देखो प्रॉब्लम समस्या है ऑफ मिसमैनेजमेंट अव्यवस्था की, गार्बेज कूड़े कचरे की, जो जो कूड़ा कचरा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके ऊपर क्या लिखना, आपको एक लेटर लिखना है। फिर लिखना सर, और जस्ट उसके नीचे आपको थ्योरी लिखनी है, आप ये थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं, अगर आपसे सेंटेंस बनाने आते हैं तो अपनी भाषा में बनाकर इसको लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर, यह पत्र, ड्रा खींचने के लिए, ड्रा का मतलब होता खींचना, क्या होता खींचना। योर अटेंशन आपका ध्यान, मैं आपको ध्यान को खींचना चाहता हूँ। ओके नोटिस डेट इन जनकपुरी, जनकपुरी में ये प्रॉब्लम आई है, तो जनकपुरी की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। और गार्बेज की तरफ, हीप्स जो पड़ा रहता है आर लेइंग अनक्लीन, जो बिना साफ सफाई के वो पड़ा रहता है कूड़ा कचरा, वहां पर साफ नहीं होता है, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। सिंस लास्ट वन वीक, पिछले एक हफ्ते से, जो पिछला एक हफ्ता बीता है वहां से किसी ने भी कूड़ा कचरा नहीं उठाया है, वो प्रॉब्लम काफी आ रही है, बदबू आ रही है वहां से, बताएंगे। देखिए द गार्बेज, वो जो कचरा है, हैज बीन ब्रोकन सिंस डेज, जो गार्बेज है कचरा है वो ब्रोकन सड़ रहा है, मतलब टूट गया है वहां पे, सड़ लिया है, सिंस डेज कई दिनों से,
द ट्रैश जो कचरा है इज 14 डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब था सड़ना, देखिए 40 दिनों से जो कचरा है वो सड़ रहा है वहां पे, एंड कॉजिंग और जिसके कारण फॉल स्मेल बुरी सी बदबू आ रही है, जिसके कारण क्या होता है फॉल स्मेल बुरी सी गंध आ रही है, स्मेल आ रही है वहां पे, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जर्म्स का मतलब होता है जो जीवाणु वगैरह है और इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वहां पे फैल गए हैं। अब देखिए अब कीड़े फैलेंगे तो कीड़े फैलने से बीमारियां फैलेंगी, और ब्रीडिंग वो प्रजनन कर रहे हैं, अब देखिए कीड़े तो पैदा हो रहे हैं और वो प्रजनन कर रहे हैं मतलब और ज्यादा कीड़े बढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर ऑन द गार्बेज, कहां पर उस कूड़े कचरे में, वो जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसमें और ज्यादा कीड़े फैल रहे हैं। विच इज कॉजिंग, जिसके कारण क्या होता है इलनेस, बीमारी फैल जाती है, इलनेस का मतलब क्या होता है बीमारी। अब देखिए अगर ये इंसेक्ट्स ज्यादा फैलेंगे मतलब कीड़े ज्यादा फैलेंगे तो उससे क्या होती है बीमारी और ज्यादा फैल जाती है, तो इलनेस यहाँ पर बीमारी फैल जाती है एमंग रेसिडेंट्स, जो वहां पर निवास करते हैं जो लोग रहते हैं ना, देखिए रेसिडेंस का मतलब क्या होता है जो निवासी क्षेत्र वहां पर जो लोग रहते हैं उनमें वो बीमारियां फैल रही हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि तबीयत खराब हो रही है इससे कचरे से। इसकी सफाई के लिए क्या लिखना है, ये लेटर लिखना है, तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है, आप ये नोट कर सकते हैं और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। मीनिंग जैसे कि गार्बेज एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना कूड़ा कचरा होता है। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है दुर्व्यवस्था, मतलब व्यवस्था नहीं है। फेस्ड का मतलब यहाँ पर सामना करना है। लोकैलिटी का मतलब होता है निवासी क्षेत्र, और गार्बेज द्वारा आ चुका है। ड्रा का मतलब होता है खींचना, अटेंशन होता है ध्यान, नोटिस देखना, जनकपुरी जनकपुरी है ही। गार्बेज क्या होता है कचरा होती है। हीप्स का मतलब पड़ा है वो, और अनक्लीन मतलब अनक्लीन का मतलब होता है बिना साफ किए, क्या होता है बिना साफ किए अनक्लीन होता है। और जैसे आप देखिए ट्रैश, ये जो ट्रैश आता है इसका मतलब ही कचरा होता है। डिकेइंग, इसका मतलब याद रखना, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना। कॉजिंग, जिससे कारण क्या होता है फॉल स्मेल, इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वो फैल रहे हैं, ब्रीडिंग वो प्रजनन कर रहे हैं। ओके और जो आपको याद करना, जैसे रेसिडेंस द्वारा इलनेस बीमारी होती है, सारे के सारे मीनिंग अगर आपको याद है तो आप इसको सेंटेंस में बना के इनको लिख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।